नमस्कार विद्यार्थियों, NIOS के स्टूडियो में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर पवन कुमार, अरिहंत कॉलेज ऑफ एजुकेशन हरिद्वार से। आज आपके समक्ष कार्य शिक्षा के लिए या कार्य शिक्षा की परिचर्चा पे आपसे संवाद करने के लिए उपस्थित हूँ। कोड नंबर 508 की कार्य शिक्षा के संदर्भ में आप लोगों से मुझे चर्चा करते हुए ये हर्ष हो रहा है कि मैं आप लोगों के समक्ष इस कार्य शिक्षा के बारे में आप लोगों से चर्चा करूं। कार्य शिक्षा को यदि हम सामान्य तौर पर देखें, कार्य शिक्षा आज हमारे विद्यार्थियों के लिए अति आवश्यक हो गई है। कार्य शिक्षा हमें किस प्रकार की या किस प्रकार से किन विधियों के द्वारा या कैसे एक ऐसा माहौल तैयार करके छात्रों को कार्य शिक्षा दें, ये हमारे समक्ष बड़ा यक्ष प्रश्न है। कार्य शिक्षा के बारे में हमारी एजुकेशन सिस्टम में बहुत सारे कार्यकलाप या क्रियाकलाप किए जाते हैं या कराए जाते हैं। थ्योरेटिकल रूप से या सैद्धांतिक रूप से कहें कि विद्यार्थियों को बहुत कार्य शिक्षा के बारे में यूँ कहें कि पढ़ाया जाता है या व्याख्यान दिया जाता है, लेकिन ऐसा कोई मैकेनिज्म हमारी शिक्षा व्यवस्था में नहीं है जिसमें कि हमें हमारे विद्यार्थियों को ये बताने में या यूँ कहें कि पढ़ाने में ऐसा लगे कि छात्रों को वास्तव में कार्य शिक्षा के बारे में शिक्षा मिल रही है या वो शिक्षा प्राप्त करके कुछ कार्य कर सकते हैं। अनस्किल्ड वाली जो एक समस्या हमारी शिक्षा व्यवस्था में या सामाजिक व्यवस्था में आ गई है, उस अनस्किल्ड वातावरण को कम करने के लिए छात्रों को कार्य शिक्षा देना अति आवश्यक है। कार्य शिक्षा के बारे में यदि हम अर्थ की बात करें तो कार्य शिक्षा एक ऐसी शिक्षा या वह शिक्षा जो कि हमारे मानसिक क्रियाओं के साथ साथ, मानसिक अभ्यास के साथ साथ हमारी कर्मेंद्रियों की भी शिक्षा हो या कर्मेंद्रियों को भी शिक्षित करे, प्रशिक्षित करे, उसे हम कार्य शिक्षा कह सकते हैं। एक ऐसी शिक्षा जिसको कि हम मूर्त रूप में या यूँ कहे कंक्रीट रूप में हमें दिखाई दे या आउटपुट कुछ दिखाई दे, उसको हम कह सकते हैं कि हाँ, ये कार्य शिक्षा हमें या हमारे द्वारा विद्यार्थियों को दी गई है। कार्य शिक्षा के बारे में यदि बात करें तो कार्य शिक्षा को के संदर्भ में तीन चार बातें मुख्य रूप से हमें दिखाई देती हैं कि कार्य शिक्षा क्या है, कार्य शिक्षा का अर्थ क्या है, कार्य शिक्षा का महत्व क्या है, और कार्य के साथ साथ या यूँ कहें कि कार्य के साथ साथ उसकी संतुष्टि छात्र की या सीखने की उसकी जिज्ञासा, कौन सी ऐसी आदतें हैं जो कि हम छात्र के अंदर डेवलप करें जिससे कि हमारी जो कार्य शिक्षा है वो छात्र तक पहुँचे। कार्य शिक्षा के संदर्भ में मैं आप लोगों से मुख्य रूप से ये बातें जरूर करना चाहूँगा कि कार्य शिक्षा जो है वो हमारे कौन कौन से ऐसे कार्य हैं या यूँ कहें कौन कौन से ऐसे पहलू हैं, कौन से ऐसे तत्व हैं जिनको विकसित करती है। कार्य शिक्षा के माध्यम से विद्यार्थियों के अंदर क्या हमें मूर्त रूप में दिखाई देगा जिससे कि हम कह सकें कि हाँ, कार्य शिक्षा विद्यार्थी को दी गई है। सबसे मुख्य रूप से यदि हम बात करें अनुभव के बारे में, जो अनुभव बच्चों को दिया जाता है उनमें सबसे मुख्य रूप से यदि कहें, यह हाथ और मस्तिष्क में समन्वय स्थापित करता है। इसका सबसे मुख्य रूप से यही है कि क्योंकि हमारी जो एजुकेशन है, जो शिक्षा दी जाती है विद्यार्थियों को, वो आज के समय में मानसिक रूप से ज़्यादा विकसित करने का प्रयास हो रहा है। मानसिक रूप से ज़्यादा बच्चों को चिंतन पर ज़्यादा जोर हमारी शिक्षा के द्वारा दिया जा रहा है। हम देखें कि उसमें यदि बच्चे को हाथ का कारिंदा यदि बना देंगे, यदि उसके मस्तिष्क के साथ साथ हाथ और मानसिक क्रियाओं में समन्वय यदि स्थापित कर दिया जाता है, तो हम कहेंगे कि हाँ, यह कार्य शिक्षा है या कार्य शिक्षा अनुभव है उसका। सेकंड देखें कि शैक्षिक गतिविधियों में निहित समाजोपयोगी शारीरिक श्रम है। बहुत सारे जैसे कार्य किए जाते हैं या शिक्षा दी जाती है छात्रों को, तो हमें कई बार ये लगता है, अनेकों बार विद्यार्थी को या यूँ कहें विद्यार्थी के परिवार को या अध्यापकों को भी कई बार ऐसा सोचने में आता है कि ये किसी उपयोग का नहीं है या केवल एक मात्र मजदूरी है। तो कह सकते हैं कि जो शैक्षिक गतिविधियां हैं उसमें यदि वर्क एजुकेशन दी जाए बच्चे को,
तो उसमें समाज के लिए भी है, वो समाज के सामाजिक मूल्यों के लिए भी, आर्थिक मूल्यों के लिए भी, व्यावसायिक मूल्यों के लिए भी। ऐसा नहीं है कि वो किसी एक आस्पेक्ट पर ध्यान देते हैं, या यूँ कहें कि एक आस्पेक्ट के लिए ही ज़रूरी है। थर्ड देखें, नेक्स्ट यदि हम देखें, यह सीखने की प्रक्रियाओं में एक आवश्यक और महत्वपूर्ण कारक है। कई बार हमें हमारी जो शिक्षा है वो लगता है कि बच्चे को शिक्षित किया गया है, लेकिन उसका जो अधिगम है वो नहीं हो पाया है। लर्निंग आवश्यक है, यही एक हमारा जो मुख्य जो साधन है। वर्क एजुकेशन यदि बच्चे को दी जाएगी, उस वर्क एजुकेशन में सबसे पहले जो जो प्रक्रियाएं हैं सीखने सिखाने की, जो प्रक्रिया है उसमें सबसे जो महत्वपूर्ण कारक है वो हमारा वर्क एजुकेशन है। यदि हम उसको हाथ से कार्य करने की शिक्षा देंगे तो अवश्य ही समाज के लिए, या यूँ कहें कि अपने पूरी प्रक्रिया के लिए वो लाभदायक होगा। नेक्स्ट यदि देखें, समुदाय के लिए उपयोगी सेवाओं और उत्पादक कार्यों के रूप में दिखाई देता है। वर्क एजुकेशन जब हम बच्चे को, छात्र को दिखाते हैं, तो समुदाय में हमें दिखाई देगा, यानी कि वो उपयोगी होगा, सोसाइटी के लिए उपयोगी होगा, या समाज को कुछ बना करके देगा, या समाज को कुछ करके देगा। ऐसा वर्क एजुकेशन के माध्यम से हम कह सकते हैं। आज के एजुकेशन सिस्टम में बहुत बार होता है कि हमारे पास बहुत सारी डिग्रियां होती हैं, बहुत सारी उपाधि हमारे पास है, लेकिन कोई भी काम में ऐसा नहीं जानता जिसको कि मैं मूर्त रूप में या आउटपुट के रूप में दिखा सकूं। मानसिक प्रक्रियाओं के माध्यम से बेशक मैं कई बार बहुत सारी उनको कर देता हूँ, या यूँ कहें कि करके दिखा सकता हूँ, लेकिन यदि हमें आवश्यकता पड़े कि मूर्त रूप में, या यूँ कहें कि वर्क एजुकेशन दिखानी पड़े, तो वो हमारी एजुकेशन में हमारे विद्यार्थियों के पास बहुत कम दिखाई पड़ता है। तो उत्पादकता के जहाँ तक बात है, वहाँ पर वर्क एजुकेशन बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। नेक्स्ट यदि देखें, बहुस्तरीय शिक्षा प्रणाली में यह शिक्षा के सभी पहलुओं के साथ एक आवश्यक कारक के रूप में जुड़ा हुआ है। बहुत सारे स्टेज हैं हमारी एजुकेशन सिस्टम में, शिक्षा प्रणाली में। प्राइमरी एजुकेशन है, सेकेंडरी एजुकेशन है, या हायर एजुकेशन है, इसके जितने भी पहलू हैं उन सब में मुख्य रूप से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट यदि देखें, यह करने के द्वारा सीखने के सिद्धांत पर आधारित है। मैं आप लोगों से ये चर्चा करना चाहूँगा कि 1996 में डेलर्स कमीशन के जो चार स्तंभ हैं शिक्षा के, जो बताए गए हैं, लर्निंग टू डू, लर्निंग टू लाइव टूगेदर, लर्निंग टू नो और लर्निंग टू बी, तो उसमें सबसे मुख्य जो है लर्निंग टू डू, जिसे हम कह सकते हैं कि करके सीखना, और हमारी एजुकेशन में भी और टीचर एजुकेशन में भी ये मेथड, या यूँ कहें इस बात की बहुत ज़्यादा चर्चा की जाती है कि सीखने के सिद्धांत पर कौन सी बातें आधारित है, या सीखा किसके द्वारा जाता है, तो तब दिखाई देता है कि हमें उस सिद्धांत पर कार्य किया गया। तो उस सिद्धांत पर कार्य करेंगे तो जो लर्निंग है विद्यार्थी की वो ज़्यादा होगी, आउटपुट ज़्यादा होगा, और अचीवमेंट हमें मुख्य रूप से दिखाई देगा। नेक्स्ट यदि हम देखें कि कौन कौन सी ऐसी गतिविधियां हैं जिसमें कि हम विद्यार्थी को कार्य शिक्षा के लिए प्रेरित कर सकें, या यूँ कहें कि कार्य शिक्षा को कैसे सिखाना है बच्चे को, या यूँ कहें कि कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जिससे कि कार्य शिक्षा लगे कि हाँ एक सार्थक कदम है, उसमें सबसे मुख्य रूप से सबसे पहले जिसकी हम चर्चा करें, समस्या समाधान की योग्यता। उसमें सबसे विद्यार्थी जब कार्य करने की बात करते हैं, उसके सामने एक चुनौती होती है और वो एक प्रॉब्लम के रूप में, एक समस्या के रूप में छात्र के सामने होता है कि जब हम विद्यार्थी को कोई कार्य देते हैं करने के लिए, मान लो उसको बागवानी के लिए या उद्यान में कोई कार्य करने के लिए दिया जाए, तो उसके सामने वो प्रॉब्लम है कि कैसे स्टार्ट किया जाए, कौन सा काम किया जाए। तो जब वो समस्या होगा तो उसको समाधान या उसका हल खोजने का प्रयास करता है, और ये सैद्धांतिक रूप से ये सत्य है, और शोध करके भी विद्वानों ने ये देखा है कि समस्या समाधान की जब, या यूँ कहें कि प्रॉब्लम जब हमारे विद्यार्थी के सामने आती है, तो उस समस्या को समाधान तक पहुँचने के लिए, समस्या के समाधान तक पहुँचने के लिए विद्यार्थी अपने जो मस्तिष्क हैं उसके सारी योग्यताओं को दौड़ाना शुरू करता है, और उसके साथ साथ उसकी जो बुद्धि है वो अपना कार्य करना प्रारंभ करती है। तो मस्तिष्क के जितनी भी गतिविधियां होती हैं उन सब को समस्या आते ही एकदम सक्रिय रूप से
भाग लेना स्टार्ट कर देता है, जो मस्तिष्क है वो उस पर कार्य करना प्रारंभ कर देता है। बहुत बार देखा होगा कि यदि हमारे विद्यार्थी या आप देखें कि जो प्रॉब्लम हमारे सामने आती है तो हमारा जो मस्तिष्क है वो निरंतर उसके बारे में वो सोचता रहता है, जब तक उसके हल तक या समाधान तक वो नहीं पहुंच जाता है तब तक वो समस्या मस्तिष्क में घूमती रहती है। ये एक एक्सरसाइज है कि बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम दें, समस्याएं दें, उनको सुलझाने का वो प्रयास करें। क्रिएटिविटी वाला चैप्टर या यूँ कहें सृजनात्मकता बढ़ाने के लिए उसमें जो ब्रेन स्टॉर्मिंग वाला जो मेथड है वो इसी आधार पर हम विद्यार्थियों के साथ उसमें एक्सपेरिमेंट करते हैं कि बच्चे को कितने ज़्यादा प्रॉब्लम दी गई और उन प्रॉब्लम्स के बारे में वो वापस कितनी जल्दी रिएक्ट करता है या अनुक्रिया देता है। सेकेंड इसी में देखें समालोचनात्मक सोच निर्णय लेना। आलोचना करता है संश्लेषण और विश्लेषण की जो योग्यता है उस विद्यार्थी के अंदर अपने आप स्वतः ही वो विकसित होने लगती है और जो बुद्धि का जो कार्य है निर्णय लेना, कोई भी कार्य करने के लिए वो अपने अध्यापकों पर, अपने साथियों पर या अपने परिवार वालों पर निर्भर रहता है, लेकिन उस निर्भरता को कम करने के लिए जैसे ही उसको समस्याएं दी जाएंगी समाधान सोचेगा और संश्लेषण और विश्लेषण की योग्यता जैसे जैसे उस विद्यार्थी की बढ़ती चली जाएगी और वो निर्णय लेना प्रारंभ कर देगा। हमारे समाज में या यूँ कहें सोसाइटी में निर्णय लेने वाला या यूँ कहें कि अकाउंटेबिलिटी उसी व्यक्ति के पास होती है जो व्यक्ति निर्णय ले सकता है और वही जवाब भी दे सकता है कि किन आधार पर किसी कार्य को पूरा किया गया। कौशल विकसित करता है निर्णय लेने के लिए, समालोचनात्मक सोच को विकसित करने के लिए, समस्याओं को समाधान करने के लिए। ये गतिविधियाँ विद्यार्थियों को दी जाएँ कि वो अपनी प्रॉब्लम लें, उसका समाधान खोजें, समालोचना करें, उसको संश्लेषित और विश्लेषित करके किसी सोच पर आगे बढ़ करके डिसीजन लें, तो उसे कि कौशल कोई ना कोई कौशल विकसित होने में हमारी सहायता करेगा। सेकेंडली इसी में देखें सभी विषयों को पढ़ाने वाले शिक्षकों की साझेदारी को आमंत्रित करता है। सभी विषयों को पढ़ाने वाले शिक्षकों की साझेदारी को आमंत्रित करता से अभिप्राय यही है कि हमें केवल एक न केवल एक भाषा, न केवल गणित, न केवल एक सामाजिक अध्ययन या यूँ कहें विज्ञान, जितने भी विषय विद्यार्थी को पढ़ाए जाते हैं उन सभी विषयों के शिक्षकों की साझेदारी को उस गतिविधियों में शामिल करता है। कोई भी विषय इस संसार में ऐसा नहीं है कि जिसको केवल एक सैद्धांतिक रूप से हम पढ़ा सकें या सैद्धांतिक रूप से ही जानकारी केवल आवश्यक है। वर्क एजुकेशन के माध्यम से स्किल छात्र का दिखाई दे और वो केवल वर्क एजुकेशन के माध्यम से ही हम विकसित कर सकते हैं और उसी के द्वारा हम बच्चे को या छात्र को कह सकते हैं कि हाँ इसको कार्य शिक्षा दी गई है। छात्रों की जरूरतों, रुचियों और क्षमताओं पर आधारित है। गतिविधियों में देखें तो मुख्य रूप से उसकी क्या ज़रूरतें हैं, रुचियाँ क्या हैं और उसकी क्षमता क्या है, इस पर भी आधारित यदि हम देखें वर्क एजुकेशन को, तो सबसे पहले मुख्य रूप से हमें, क्योंकि वर्क एजुकेशन में जैसे कि 1937 की हम बात करते हैं महात्मा गांधी जी की जो हस्तकला की जो शिक्षा है, करके सीखने वाली जो शिक्षा है, उस शिक्षा को सफल होने में मैं समझता हूँ कि हमें अपनी ज़रूरतों, रुचियों और क्षमताओं पर आधारित शिक्षा को लेकर के नहीं हम चल पाए, उसमें यदि उस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता तो मैं समझता हूँ कि उसके जो सक्सेस है, उसकी सफलता है वो ज़्यादा होती। क्यों? क्योंकि बहुत सारे ऐसे कार्य हैं वर्क एजुकेशन के जिसमें कि हम विद्यार्थियों को काम तो करा सकते हैं लेकिन सोसाइटी की ज़रूरत क्या है, उसकी आवश्यकताएं कौन कौन सी हैं, तो ज़रूरत के हिसाब से या ज़रूरत के अनुसार यदि हम कार्यों को देंगे, वर्क एजुकेशन को कराएंगे, तो जो भी उसकी निरर्थकता वाली जो बात है या यूँ कहें कि बहुत सारा जो जिसे कहते हैं कि अपव्यय एवं अवरोधन हमारी एजुकेशन में जो आया, अपव्यय की जरूरत, जो एजुकेशन हमारी जो प्राइमरी एजुकेशन में जो मुख्य रूप से जो समस्याएं दो दिखाई देती हैं, तो जो अपव्यय है वेस्टेज, ज़रूरत के अनुसार कार्य को ना करना, ना कराना, वो हमारी ज़रूरतों के हिसाब से हमारे खर्चे बढ़ा देता है और समय को भी ख़राब करता है। क्योंकि यदि समाज की या सोसाइटी की ज़रूरत आज के समय में वो नहीं है तो हमें उस पर अपना समय या शक्ति जो है वो वेस्ट नहीं करनी चाहिए, अनावश्यक रूप से हम उसमें ज़्यादा ना जाएं, कोशिश करें
ये जानने का प्रयास करें कि सोसाइटी की ज़रूरतें क्या हैं, या विद्यार्थी की ज़रूरतें क्या हैं, या वातावरण जो आसपास का है वहाँ पर क्या ज़रूरत है वर्क एजुकेशन की, उसके अनुसार हम सिखाने का प्रयास करें। उसी में देखें कि मुख्य रूप से क्या होता है बहुत बार कि हम विद्यार्थियों को वर्क एजुकेशन देते हैं, लेकिन जैसे कहा जाता है कि 30 या 25 या 40 50 जितने भी विद्यार्थी कक्षा में होते हैं, व्यक्तिगत विभिन्नता के सिद्धांत पर यदि हम बात करें तो प्रत्येक बालक का, प्रत्येक व्यक्ति का अपनी रुचि अलग होता है, या उसका इंटरेस्ट अलग होता है, और उसकी क्षमता अलग होती है। उस पर एबिलिटी पर जा कर के, इंटरेस्ट पर जा कर के यदि हम वर्क एजुकेशन सिखाएंगे तो हमारी ज़्यादा आउटपुट आएगा, या ज़्यादा यूँ कहें कि रिजल्ट में जब आप देखेंगे मूर्त रूप में वो ज़्यादा अच्छे से दिखाई देगा। क्योंकि यदि हमने बिना किसी इंटरेस्ट के, बिना किसी रुचि के किसी विद्यार्थियों को सिखाने का प्रयास किया तो वो विद्यार्थी उसमें रुचि नहीं लेता है, तो फिर हमारी जो ऑब्जेक्टिव हैं, जो उद्देश्य हैं, वो हमारे समाप्त हो जाते हैं। बहुत बार ये भी होता है कि ज़रूरत भी है, इंटरेस्ट भी है, लेकिन एबिलिटी छात्र में वो नहीं है। मान लो किसी को शारीरिक श्रम का काम दे दिया जाए और वो मानसिक रूप से ज़्यादा मजबूत है लेकिन शारीरिक रूप से वो इतना सक्षम नहीं है, तो उस विद्यार्थी की क्षमता पर आधारित कार्य हमने नहीं दिया तो उसका जो आउटपुट है बच्चे का या छात्र का कम आएगा। अचीवमेंट लेवल जब हम देखेंगे तो वो सदैव कम मिलेगा। तो हमें ये भी देखने की आवश्यकता है कि हमें गतिविधियों में ये ध्यान रखें कि बच्चे की एबिलिटी को देखते हुए वर्क एजुकेशन को पूरा करें। नेक्स्ट यदि हम देखें कि शिक्षा के विभिन्न चरणों के अनुसार छात्रों की क्षमताओं का विकास करना। शिक्षा के विभिन्न चरण से अभिप्राय यही है कि मान लो बच्चा विद्यार्थी आपका प्राइमरी एजुकेशन का है तो उसको हम बहुत ज़्यादा शारीरिक श्रम वाला कार्य नहीं दे सकते। उस शारीरिक श्रम के हिसाब से कार्य दें तो हमें आउटपुट में ज़्यादा दिखाई देगा कि मूर्त रूप में बच्चे ने ज़्यादा सीखा है। और सेकेंडरी एजुकेशन में जैसे विद्यार्थी की जो शारीरिक क्षमताएं हैं वो थोड़ी सी बढ़ जाती हैं, थोड़ा सा उसका शारीरिक रूप से मजबूत हो जाता है, तो उसकी जो क्षमता है उसके आधार पर हम स्किल बच्चों को ऐसा सिखाएं जिससे कि उसके शरीर के अनुसार वो उस क्षमता को या उस एबिलिटी को, उस कार्य को वो पूरा कर भी सके, ताकि हमारे सोसाइटी के या समाज के ज़्यादा काम आए। नेक्स्ट, व्यक्तित्व के विकास में मदद करता है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए बहुत सारी बातें हमारे साइकोलॉजी के सिद्धांतों में पढ़ाई जाती हैं। देखें कि उसमें व्यक्तित्व का जो विकास है, जैसे मैंने पहले वाले सिद्धांत में आप लोगों से चर्चा की, तो उसमें ये होता है कि बच्चे के जो रुचि है या उसकी क्षमता है उसके अनुसार यदि हमने नहीं किया, तो यदि हमने प्रेशर डाला, यदि हमें हम बच्चे को या छात्र को ज़बरदस्ती कोई कार्य कराने का प्रयास करते हैं तो उसका जो मानसिक क्षमता है या मानसिक उसके जो व्यक्तित्व का पहलू है वो बाधित होने लगता है। तो उस बाधा को उत्पन्न ना होने दिया जाए, बच्चे को या छात्र को उसके स्वाभाविक रूप में विकसित होने दिया जाए तो हमारे लिए या समाज के लिए, सोसाइटी के लिए ज़्यादा लाभदायक होगा। नेक्स्ट देखें कि आप मुख्य रूप से जिसकी हम अपने एजुकेशन में वर्क एजुकेशन की बात करते हैं उसमें कह सकते हैं कि एक ऐसी गतिविधि जो हमारी व्यावसायिक तत्परता और उत्पादन में दक्षता को विकसित करता है और बढ़ाता है। व्यावसायिक तत्परता बच्चे की और उत्पादन की जब हम बात करते हैं तो बहुत बार या यूँ कहें कि अनेकों बार या यूँ कहें कि हमारी सोसाइटी में ये एक चलन है कि छात्र की एजुकेशन को या शिक्षा को, पढ़ाई को हम ये देखते हैं या यूँ कहें इस तरह से देखते हैं कि उस छात्र की, उस बालक की व्यावसायिक वृद्धि या व्यावसायिक लाभ क्या होगा। तो व्यावसायिक लाभ के लिए भी वर्क एजुकेशन ज़रूरी है। ऐसा कोई कार्य कराएं, ऐसी कोई गतिविधि कराएं जिससे कि छात्र को ये करने में सहायता मिले कि उसके व्यवसाय भी वो कल कर सके, या यूँ कहें कि जब कभी भी ज़रूरत पड़े। मान लो जैसे कई बार हम अपने एजुकेशन में छात्रों को बागवानी सिखाते हैं या कैंडल मेकिंग कई बार वर्क एजुकेशन में सिखाया जाता है, तो वर्क एजुकेशन से में आप देखेंगे कैंडल मेकिंग जब हम छात्र को सिखाते हैं तो यदि बच्चे की रुचि है, यदि बच्चे का माहौल या वातावरण उसका ऐसा मिलता है तो उन मोमबत्ती बनाने की दक्षता से वो अपने व्यवसाय को बढ़ाकर भी देख सकता है या बढ़ा भी सकता है।
नेक्स्ट यदि इसी में देखें हम विभिन्न सिद्धांत, टेक्नोलॉजी, तकनीकी विधियां या सामग्रियां वस्तुओं के साथ अपने बातचीत के अवसर भी प्रदान करता है। बहुत सारे सिद्धांत किसी भी कार्य को करने के पीछे विभिन्न प्रकार की थ्योरी काम करती हैं। उन थ्योरी को जब छात्र समझता है तो उसका जो सैद्धांतिक ज्ञान है वो भी मजबूत होता है, और सैद्धांतिकता के साथ साथ जो वर्क एजुकेशन है वो तो उसकी चल ही रही है। बहुत सारे कार्य अब समय के बदलते स्वरूप के साथ साथ जो उसकी तकनीकियाँ हैं और विधियाँ हैं या जो सामग्री है उनके साथ साथ वो सीखता है कि कौन सी टेक्नोलॉजी हमें ज़्यादा लाभदायक है। यह यूँ कहें कि टेक्नोलॉजी से जिस कार्य को वो पूरा करेगा, मान लो जैसे बच्चे को फोटोग्राफी का शौक़ है, तो जब हम उसे फोटोग्राफी करने का या काम करना सिखाएंगे तो उसको जितने भी मार्केट में जितने भी प्रकार के जो कैमरा हैं या यूँ कहें कि जितने भी उससे संबंधित संसाधन हैं वो यदि मार्केट में हैं तो उन मार्केट के संसाधनों के माध्यम से उस कार्य को वो पूरा करने का प्रयास करेगा, और उस प्रयास में उसको बहुत सारी जानकारियाँ गतिविधियाँ करनी पड़ेंगी। उसको मार्केट में जैसे ही जाएगा तो उससे संबंधित जितने भी सामान हैं उसका जब वो रेट करता है या मूल्य जांचने के प्रयास करता है और उसकी दक्षता जब उसके चेक करने का प्रयास करता है तो उसके माध्यम से बहुत सारी जानकारी उस छात्र को होती है, और वो लोगों के साथ जैसे ही इंटरेक्ट करेगा, मार्केट में जैसे ही जाएगा, तो एक विद्यार्थी की किसी भी सोसाइटी में जा कर के कौन सी योग्यताओं के साथ साथ कैसे लोगों से बातचीत करनी है और कैसे उन लोगों से अपना सामान खरीदना है और कौन कौन से योग्यताएं या कौन कौन से उसमें विशेषताएं होनी चाहिए, उन विशेषताओं को जान करके फिर बातचीत के अवसर जो उसे मिलते हैं उससे वो बहुत सारे सोसाइटी की बातें सीखने का प्रयास करता है और सीखता भी है। वो केवल एक सैद्धांतिक जानकारी नहीं है, वो एक प्रैक्टिकल जानकारी है कि उसने केवल अपनी सामग्री लेने का प्रयास किया लेकिन बातें बहुत सारी उसने समाज से संबंधित सीखी। ऐसे ही नेक्स्ट यदि हम देखें, समुदाय से संबंधित परिस्थितियों का सामना करने के अवसर प्रदान करता है। ये जो गतिविधि है, मान लो कोई सामान लेने के लिए मार्केट में या यूँ कहें कि अपने कार्य को पूरा करने के लिए वो जब जाता है तो उस सोसाइटी से रिलेटेड परिस्थितियाँ जो मिलती हैं उन परिस्थितियों से सामंजस्य कैसे स्थापित करना है उसको वो बहुत अच्छे से जान पाता है। हमारे साइकोलॉजी में व्यक्तित्व की परिभाषा के समय में ये पढ़ाया भी जाता है कि वह ज़्यादा व्यक्तित्व ज़्यादा अच्छा होता है या यूँ कहें संपूर्ण होता है या ज़्यादा अच्छे से जो समुदाय से संबंध स्थापित कर सकता है या परिस्थितियों से कैसे एडजस्टमेंट करता है वो व्यक्तित्व हमारा हमारे सोसाइटी के लिए अच्छा माना जाता है। तो वर्क एजुकेशन के माध्यम से उसकी पर्सनालिटी भी उस गतिविधि के माध्यम से डेवलप होती है। कार्य जगत से परिचय कराता है। जो वर्क एजुकेशन का जो उसका माहौल है या यूँ कहें कि जो उसका वातावरण है उससे उसको परिचित कराने में सहायता मिलती है। यदि कार्य शिक्षा के महत्व के बारे में हम चर्चा करें, कार्य शिक्षा का जो महत्व है उसमें सबसे पहले जो मूल्यों की बात की जाती है समाज में या सोसाइटी में, आज जो मुख्य रूप से देखने में आता है कि मूल्य विहीन जो व्यक्तित्व है वो हमारे सामने आ रहे हैं, तो हमारे जो मूल्य हैं छात्रों के अंदर विकसित करने के लिए कार्य शिक्षा के माध्यम से ही हम उसमें मूल्य विकसित कर सकते हैं। मूल्य जैसे परिश्रम करने का जो मूल्य है ये हमारी एजुकेशन में हम सैद्धांतिक जानकारी बच्चों को ज़्यादा देते रहे या मानसिक रूप से ज़्यादा उनको सिखाते रहे तो जो परिश्रम करने का जो मूल्य है वो हमारा मूल्य कम पड़ गया। क्यों? क्योंकि हमने छात्रों को शारीरिक मूल्यों को या यूँ कहें शारीरिक श्रम के बारे में बताना कम कर दिया। हमारे एजुकेशन सिस्टम को इस तरह से डेवलप हमने किया कि छात्र कम से कम मेहनत में ज़्यादा से ज़्यादा कैसे कमाएगा, यह मूल्य हमने विद्यार्थियों में स्थापित कर दिया। हम बच्चों को पढ़ाते हैं जब, तो हम जैसे नैतिक शिक्षा में जब पढ़ाते हैं उद्यम के बारे में, एक बड़ा अच्छा श्लोक मुझे याद आ रहा है कि बच्चों को सिखाया जाता था कि उद्यमी ने ही सिद्ध्यंती कार्याणि न मनोरथई न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। तो बताया जाता था कि बिना परिश्रम के कोई भी कार्य सफल नहीं हो सकता है, केवल मनोरथ करने से या यूँ कहें मन में सोचने से कोई भी कार्य पूरा नहीं होता है, उसके लिए हमें शारीरिक श्रम करना आवश्यक होता है। और बताया जाता था कि बिना किसी परिश्रम के या यूँ कहें कि जिस प्रकार सोए हुए शेर के मुंह में मृग स्वयं प्रवेश नहीं करता,
उसको भी उसका शिकार करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, भागना पड़ता है, दौड़ना पड़ता है। इसी तरह से मनुष्य को भी अपने सामाजिक जीवन में या अपने व्यक्तिगत जीवन में बिना परिश्रम के अपने जीवन को यापित नहीं कर सकता है। तो उसी के मूल्यों को विकसित करने में कि कार्य शिक्षा जो है वो परिश्रम के मूल्य को विकसित करेगी, उस परिश्रम के मूल्य के साथ साथ सामाजिक मूल्य को भी विकसित करेगी। जब हम कुछ करना सीख जाएंगे तो आज यदि हम मुझे कुछ करना आता है तो मैं अपने हाथ से जो कार्य करूँगा तो उससे क्या होगा कि मेरे व्यावसायिक जो मूल्य हैं वो भी स्वतः ही विकसित होने लगते हैं, आर्थिक मूल्य भी विकसित होने लगते हैं कि मैं उससे कुछ ना कुछ पैसा भी कमा सकता हूँ। नेक्स्ट यदि हम देखें इसी में नियमितता, समय की पाबंदी, स्वच्छता, आत्मनियंत्रण, दृढ़ता, कर्तव्यपरायणता, हम कंटिन्यूटी या यूँ कहें डिसिप्लिन हमारे जीवन में नहीं रह पाता है कोई भी कार्य करने वाला व्यक्ति होगा, क्योंकि कार्य जो है वो समय से पूरा करना है, नहीं तो वो समय भी ख़राब होगा और पैसे भी ज़्यादा ख़राब हो सकते हैं हमारे किसी भी कार्य को करने में। तो हमें अपने डिसिप्लिन में रहने में भी ये सहायता मिलती है। समय की पाबंदी हम सीख जाते हैं, स्वच्छ कैसे रहा जाता है, क्योंकि बिना स्वच्छता के यदि हमने कोई ऐसा सेंसिटिव कार्य छेड़ दिया या कर दिया करने लगे हैं तो उसमें हमें साफ़ रहने के लिए भी ज़रूरी है कि हम सीख जाएंगे कि हाँ गंदगी फैलाने से ये नुकसान हो सकता है। तो उसी के माध्यम से हमारे व्यवहार में वो बातें आने लगती है। जब हम कोई कार्य करते हैं तो हमारी सोसाइटी उसमें हेल्प नहीं करती, क्यों? क्योंकि वो कार्य मैंने प्रारंभ किया है तो मुझे ही पूरा करना है। तो इसीलिए ये आत्मनियंत्रण वाला जो मूल्य है वो स्वतः ही हमारे उसमें व्यक्तित्व में आने लगता है। और कर्तव्य परायणता, वर्क एजुकेशन या शिक्षा जब हम लेंगे या कार्य को पूरा करेंगे तो हमें कार्य करने के लिए प्रेरित भी होंगे, और कार्य यदि हमारा पूरा होगा, सक्सेस होगा, तो हमें मोटिवेशन बढ़ेगा, हमारा नियंत्रण बढ़ता है, हमारा यूँ कहे कि अभिप्रेरणा बढ़ती है कि हाँ मैंने कार्य पूरा किया है। सेवा करना की भावनाएं, किसी कार्य को पूरा करके यदि हम देखते हैं तो हमें अच्छा महसूस होता है, संतुष्टि मिलती है किसी कार्य को करने के बाद, तो हमें लगता है कि हाँ मैंने कोई कार्य किया है। यह भावना, सेवा करने की भावना, स्वतः ही हमारे स्वभाव में आने लगती है। जिम्मेदारी की भावनाएं, जब हम कोई कार्य करते हैं छोटा हो या बड़ा तो हमारी जवाबदेही है, तो हमारी जिम्मेदारियाँ भी बढ़ जाती हैं कि समाज को या सोसाइटी को उससे किसी प्रकार की हानि ना हो। श्रमशीलता, जिसकी बात हम प्रारंभ से ही कर रहे हैं कि मेहनत करने की जो आदत है वो हमारे व्यवहार में आने लगती है। समानता के प्रति संवेदनशीलता, कोई भी कार्य जब हम करते हैं तो हमें सभी लोगों के प्रति समान भाव की जो भावना है वो विकसित होने लगती है। कार्य शिक्षा के माध्यम से पोषण, भोजन, संक्रमण रोग और स्वच्छता संबंधित नियमों के बारे में जानकारी मिलती है। जैसे कि प्रारंभ में ही महत्व के बारे में आपसे चर्चा कर रहा था कि हमें स्वच्छता के बारे में हमें ये आभास होने लगेगा कि इससे हमें शारीरिक रूप से भी कोई हानि हो सकती है, तो हमें उसको भी ध्यान में रखना होता है, और हमारे स्वभाव में ये स्वतः ही आने लगती है कि हमें गंदगी नहीं फैलानी चाहिए, स्वच्छ रूप से किसी भी कार्य को पूरा करना है, कार्यस्थल को पूरा करना है, कार्यस्थल पर वो कार्य सफाई से करना है। नेक्स्ट हमारा देखें कि आवश्यक जीवन कौशलों का विकास, जिसमें कि समस्या समाधान, निर्णय लेना, रचनात्मक सोच, समालोचनात्मक सोच, सहानुभूति, प्रभावी संप्रेषण, स्वयं की पहचान। आवश्यक जीवन के जितने भी कौशल हैं, जैसे समस्या समाधान की बात कर रहे थे, समस्या लेते हैं और उसके समाधान तक पहुंचने का प्रयास करते हैं, ये हमारे व्यक्तित्व में आएगा। और जब छात्र को हम सिखाने का प्रयास करते हैं तो उसका जो व्यक्तित्व है वो विकसित होने लगता है और उसके व्यक्तित्व में वो बातें स्वतः ही आने लगती हैं। समस्या समाधान के साथ निर्णय लेने की क्षमता, रचनात्मक सोच और समालोचनात्मक सोच, सहानुभूति, प्रभावी संप्रेषण, स्वयं की पहचान हमें होने लगती है। तो ये मूल्य हमारे व्यक्तित्व में स्वतः ही आने लगते हैं, ये हमारी कार्य शिक्षा का महत्व है। तो विद्यार्थियों, आज की चर्चा में आप लोगों को मैं समझता हूँ कि मेरी बातें ये इस परिचर्चा से आपको लाभ हुआ होगा। नेक्स्ट कक्षा में फिर आप लोगों से चर्चा होगी। धन्यवाद।